अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए सूफियाना बिरयानी, जिसको हम वाइट बिरयानी भी कहते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत इसका डिफरेंट टेस्ट होता है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो चिकन और 1 किलो ही हम इसमें चावल लेंगे। लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं, इनको मिला के हम पेस्ट बना लेंगे। 4 टेबल स्पून हमें पेस्ट चाहिए। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है चॉप हुई हुई, 1 कप दही है हमारे पास, और ये जो गरम मसाला आपको नज़र आ रहा है, इन सबको मिला के मैं पीस लूँगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख लें। इसमें है जावत्री है, जायफल है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, कुछ लौंग है और कुछ छोटी इलायची है। इन सबको पीस के 2 टेबल स्पून हमें ये गरम मसाला चाहिए। और जो प्लेट में आपको नज़र आ रहा है, इसमें है शाही ज़ीरा, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बड़े इलायची हैं, और ये सफ़ेद काजू हैं और बादाम है जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, इनका पेस्ट बना लूँगी। कुछ काजू हैं जो मैंने रोस्ट कर लिए हैं, दूध जाएगा इसमें, फ्रेश क्रीम जाएगी, धनिया और पुदीना जाएगा, और कुछ प्याज है जो मैंने गोल्डन ब्राउन करके रखे हुए हैं। ये जो दूध है ये हम बिरयानी की तह में डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ आगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे, 1 किलो जो हमारी चिकन है, उसमें हम शामिल कर देंगे जो हमारे पास दही है, 1 पाव यानी 1 कप दही है हमारे पास, और ये जो लहसुन, अदरक और जो हरी मिर्चें हैं इनका पेस्ट बना के रखा है, ये टोटल 4 टेबल स्पून पेस्ट है मेरे पास, और ये जो गरम मसाला पीसा था मैंने वो 2 टेबल स्पून गरम मसाला है, और नमक आप हसबे जायका इसमें डाल लें और इसे मैरिनेट करके आप रख दें 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन से भी पका सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टू टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, ये वही ऑयल है जिससे मैंने प्याज ब्राउन किए हैं। अब मैं इसमें सारा साबुत वाला गरम मसाला शामिल कर दूंगी, जिसमें है तेज़पत्ता, 2 बड़े इलायची हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3, और शाही ज़ीरा है, सियाह ज़ीरा है इसमें। जैसे हम इसे भूनेंगे थोड़ी सी इसमें से खुशबू आना शुरू होगी, तो उसी टाइम हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जो 1 दरमियानी प्याज हमने चॉप करके रखी हुई है। और इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमने इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है बस, हमने इसको कलर नहीं देना। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें हमारा चिकन शामिल कर देंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लाइट पिंक कलर की हो गई है, बस इसी टाइम हमने इसमें चिकन को शामिल कर देना है। और अच्छे से इसको मिक्स करके हम पका लेंगे चिकन को गलने तक। इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि दही है इसमें, वो काफ़ी पानी छोड़ देगा तो चिकन काफ़ी ज़्यादा गल जाएगी, तो इसे खुला ही हम पका लेंगे। चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुकी है, इसमें मैंने फ्रेश क्रीम शामिल कर दी है 100 ग्राम, और ये काजू और बादाम का जो मैंने पेस्ट बनाया है दूध के साथ मिला के, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। 10 से 15 अदद काजू थे मेरे पास और 10 से 15 अदद ही मेरे पास बादाम थी जिनका मैंने छिलका उतार लिया था, इनको दूध के साथ मिला के अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था मैंने, बस वो हम शामिल कर देंगे इसमें, और हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और ये हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। चावल उबालने के लिए मैंने पानी रख दिया था चूल्हे पे, इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून, और कुछ साबुत गरम मसाला है जिसमें हरी मिर्चें हैं 2 अदद जिसको बीच से तोड़ लिया है, कुछ सियाह ज़ीरा है, 4-5 अदद लौंग है, और मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका, इससे ये होता है कि चावल नहीं टूटते, बासमती चावल। और बस अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी, और 70-80% मैं चावलों को कुक कर लूंगी।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी तह लगाना। इसके लिए सबसे पहले हम नीचे डालेंगे ऑयल, इससे ये होता है कि राइस नीचे स्टिक नहीं होते। और अब हम इसमें डालेंगे राइस। राइस को हमने 3 पार्ट्स में करके इसमें डालना है। पहले हम इसमें थोड़ी राइस डाल रहे हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे जो मैंने आपको दूध दिखाया था, 1 कप दूध। और मेक श्योर कीजिएगा कि दूध आपका गर्म होना चाहिए, नीम गर्म, ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा दूध हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। और फिर हम जो हमारी यखनी तैयार हुई हुई है वाइट वाली, उसको हम हाफ अभी डालेंगे और हाफ हम दूसरी वाली लेयर में डालेंगे। धनिया और पुदीना हमने डालना है थोड़ा थोड़ा। 1 लेमन लिया है, हाफ लेमन का जूस मैं भी डालूंगी और हाफ का मैं बाद में डालूंगी। और जो ब्राउन अनियन किए हुए हैं मैंने, थोड़े से वो डालने हैं मुझे। और जो गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था पीसा था, वो 2 टेबल स्पून उसमें डाला था, बाकी बच गया था, वो थोड़ा थोड़ा मैं तवे में स्प्रिंकल करूंगी। फिर हमने दोबारा से इसमें राइस डालने हैं। ये हमारा राइस का सेकंड पार्ट है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं। और फिर हम इसमें जो चिकन है हमारा बचा हुआ, हाफ हमने नीचे डाला था, हाफ हम इसमें डाल देंगे सारा। और बस फिर उसी तरह से हमने धनिया और पुदीना इसमें डालना है, थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर के लिए। और जो हाफ लेमन था, हाफ हमने पहली लेयर में डाला था, हाफ लेमन का जूस हम अभी डालेंगे। और जो ब्राउन अनियन थे वो भी हम इसमें डालेंगे, थोड़े से हम बचा लेंगे ऊपर के लिए। और वही जो बचा हुआ हमारा गरम मसाला है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें गरम मसाला गया है। और अब बचे हुए जो हमारे राइस हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। यानी कि हमने 2 लेयर्स लगाई हैं इसमें बिरयानी में। और ऊपर से फिर हमने थोड़ा सा मिल्क डालना है इसमें। इससे होता है कि चावल अच्छे से नरम रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं और बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और अब इसमें जो ऑयल है हमारा, वो ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने वही यूज़ किया है जिससे मैंने प्याज को ब्राउन किया था। और धनिया और पुदीना जो हमने बचाया था, ब्राउन अनियन डालेंगे हम। और जो हमने काजू को फ्राई करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। और बस को दम लगा देंगे हम आधे घंटे के लिए। इसको हमने फॉइल से कवर कर देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। और बस अब इसे ढक के हम आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे। हमारी मज़ेदार सी सूफियाना बिरयानी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।